नानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखिए आज आपको एक भी मच्छर नहीं काटेगा। अच्छा जी, मैं फोन करके अभी आई। ठीक है। वो आज सुबह सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा सका ना, तो सोचा हूं अभी वो आता हूं। जी बाय राशि। बाय। फोन तो एंगेज आ रहा है, कोई बात नहीं 5-10 मिनट बाद फिर कोशिश करती हूँ। वैसे खाना तो गोपी बना लेगी, मैं एक काम करती हूँ 5-10 मिनट की झपकी ले लेती हूँ। राशि, राशि, आप जॉगिंग के लिए गए नहीं? राशि, मैं जाकर वापस भी आ गया। क्या? साढ़े आठ? नो, मुझे तो वो किमची भाई किराने वाले को मैट के लिए फोन करना था। राशि, किसे फोन कर रही हो? वो किमची भाई किराने वाले के यहाँ से मुझे मैट्स मंगवानी थी। लेकिन राशि वो तो 8 बजे ही बंद हो जाता है, बल्कि अभी आते हुए मैंने उसे शटर नीचे करते हुए देखा। राशि, नीचे आ जाओ, सबको खाना परोसना है। और हाँ, तुमने खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ से फोन करके मैट्स मंगवा लिए ना? नहीं वो काकी जी, वो दुकान बंद हो गई। नहीं राशि, मैंने तुमसे कहा था ना कि याद से तुम मैट्स मंगवा लेना, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता? हाँ, शायद तुमने जानबूझकर किया होगा ताकि माँ की 4 बातें मुझे सुननी पड़े, और माँ ये मुझे सुने कि मैं एक छोटा सा काम भी तुम्हें नहीं समझा पा रही हूँ, जिम्मेदारी सिखा नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। तुम यही चाहती हो ना? तो ठीक है, माँ मुझे कहेगी ना तो मैं साफ साफ तुम्हारा नाम ले लूंगी कि माँ मैंने आपके सामने राशि को कहा था ना कि मैथ्स के लिए फोन कर देना, भूल गई। अब खड़ी क्या हो, जाओ सबसे पहले नीचे जाओ, सबको खाना परोसो, सब खाना खा ले, उसके बाद माँ के कमरे में जाना और मच्छरदानी लगा देना। कम से कम आज की रात तो माँ चैन की नींद सो पाए बिना मैथ्स के। अब उसका क्या जायजा ले रही हो, उस रस्सी को कस के बांधना होता है, कस के बांधो। हाँ, अब वो सीरा बांधो, जरा जल्दी करो, इतना छोटा सा काम तुम्हें मामूली सा काम नहीं आता? का
राखी जी, ये आप कैसे बांधू? मेरे सर से बांधो। अरे राशि, इतनी अकल नहीं है, अंदर रह के तुम सीरे को कैसे बांधोगी? बाहर निकलो, पहले बाहर निकल। तुम्हें तो इसका अभ्यास होना चाहिए। तुम्हारा घर राजपाल नगर में है ना, वहाँ गटर है, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा मच्छर का आतंक होता होगा। अच्छे से उसको दबाओ, अगर नाक के छेद बराबर भी अगर खुली रह गई ना जगह, तो रात भर मच्छर मेरी माँ का खून पिएंगे। अब इस तरफ से भी दबा के रखो जाली, उस तरफ। हाँ, उसको दबाओ। अब एक बात याद रखना, फिलहाल तो ये मच्छरदानी बंद गई है, पर कल सुबह दुकान खुलते ही खिमजी भाई के यहाँ फोन लगाकर मच्छर की मैच मंगवा लेना, वरना रोज तुमको ये कवायद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं काकी जी, कल से ऐसे नहीं होगा। सारू, अब जाके माँ को बुला कर आओ, उनसे कहो कि मच्छरदानी लग चुकी है। जाओ। हाँ राशि, बोल। मम्मी, मुझे तो लगता है ये कागड़ी मुझे तड़पा तड़पा के मार ही डालेगी। मुझे भी। क्यों? अब आपको क्या हुआ? अरे, उस कागड़ी की बच्ची से माइक्रो की बात की थी और सवेरे से आस लेकर बैठी भी थी। तो फिर? फिर शू? डिब्बा आया जरूर, लेकिन मालूम है उसमें क्या था? पक्का स्टोव। तो? हाँ मम्मी, खैर छोड़िए, इस वक्त मुझ में ताकत ही नहीं है कि मैं उस कागड़ी की बुराई कर सकूं। हाँ? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ओपी दिन भर इस थानेदारनी के इशारे पे लेफ्ट राइट कैसे करती रहती? मुझसे तो नहीं होता बाबा। अभी मैं क्या बोलूं दिकरा तुझे। हाँ, अब फिलहाल तो मैं तुझे बस इतना ही कह सकती हूँ कि तू खुद सुधरे ना सुधरे, लेकिन उस ओपीडी के काम बिगाड़ती रहे, जिससे तेरी कमियां निकालने से पहले वो कागड़ी अपनी बहू में ही उलझी रहे। समझी गई? ठीक है, तो अब से ऐसे ही होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।